Good morning, dear students. How are you? Dear students, today I am going to complete your word power sections. So, open your book on page number 83. आप सभी लोग अपनी कोर्स बुक का पेज नंबर 83 ओपन कर लीजिए फ्रॉम चैप्टर 12. चैप्टर 12 जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, योर चैप्टर 12 इज रनिंग. आपका चैप्टर 12 ही चल रहा है. टुडे वी विल कंप्लीट वर्ड पावर सेक्शंस. इन द वर्ड पावर सेक्शंस वी विल रीड अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट लास्ट ट्राई फोर दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक. उसके बाद बेटा हम लोग लास्ट ट्राई फोर कंप्लीट करेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है. सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 83. देयर इज वर्ड पावर. ओके, ओपन एवरीवन. First we will read the base model auxiliaries. Read the following sentence from the story. The neighboring kingdom might even destroy the dam. In this sentence the main verb is destroy. Destroy means होता है किस चीज को नष्ट कर देना. And the helping verb is might. The verb might shows that there is a probability that the dam is destroyed. So, dear students, first the question, what is auxiliaries verbs? What is modal auxiliaries verbs? आखिर ये modal auxiliaries verbs होती क्या है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. ओके, तो modal auxiliaries verbs आर कैन, कुड, मे, माइट, वुड और शुड, मस्ट, ओट टू. आप लोगों ने कुछ सेंटेंस ऐसे रीड किए होंगे अभी तक जिनमें इन वर्ड्स का यूज़ किया गया हो, कैन, कुड, should, may, might, ought to, shall, should, like this type. तो यही सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाते हैं. इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स. नॉर्मल वर्ब्स मीन्स बेटा यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, जम्प, गो, बी, लाइक दिस टाइप एटसेट्रा. ये जो वर्ब्स होती हैं इनको हम नॉर्मल वर्ब्स बोलते हैं. तो ये जो हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं ये इनसे थोड़ा डिफरेंट होती हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड विथ मेन वर्ब्स. यस बेटा, एक चीज़ पे हमें फोकस करना है कि जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं ये मेन वर्ब के साथ में यूज़ की जाती हैं. जैसे कि अभी हमने ये सेंटेंस राइट किया था आपको लास्ट पेज पे, द नेबरिंग किंगडम माइट इवन डिस्ट्रॉय द डैम. तो हमारी डिस्ट्रॉय भी वर्ब है और माइट भी वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के साथ में ही यूज किए जाते हैं. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर यूज टुगेदर. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों ही वर्ब साथ में यूज किए जाते हैं. विद द मैन वर्ब टू शो डिफरेंट टेंस एंड मॉडल्स द ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल एंड शुड आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. वी ऑफन यूज मॉडल ऑक्सिलरीज टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स. यस बेटा, यहाँ पर जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं इनका यूज हम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी योग्यता दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए किसी से, जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो उसके लिए इसका, रिक्वेस्ट के लिए जब किसी से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, एंड ऑफर और किसी को कुछ ऑफर करते हैं. इन कंडीशन में हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स का यूज करते हैं. अब देखते हैं परमिशन के लिए. जब आप क्लास में होते हो तो आप भी मैम या सर जो भी क्लास में हो तो बोलते हो मैम मे आई गो टू टॉयलेट या मैम प्लीज मे आई कम इन. तो यहाँ पर हमने मे का यूज़ किया. तो जब मे का यूज़ किया तो वहाँ पर हमने परमिशन ली. वहाँ पे परमिशन के लिए हमने मे का यूज़ किया. एंड परमिशन कैन, मे, कुड. प्रोबेबिलिटी के लिए हम मे और माइट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर आई मे गो फॉर अ वॉक इन द पार्क टूडे. प्रोबेबिलिटी मतलब योग्यता. आई कैन जम्प, आई कैन रन फास्ट, आई कैन डू दिस वर्क लाइक दिस टाइम. मतलब मेरे अंदर ये क्वालिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. परमिशन किसी से परमिशन लेने के लिए, जैसे कैन आई बोरो योर बुक, तो हमने उससे परमिशन ली.
कि क्या मैं तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूँ या मैं आज के लिए तुम्हारी किताब ले सकता हूँ। कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर बॉक्स पेंसिल एटसेट्रा लाइक दिस टाइम। मतलब जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो हम यहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। कैन एंड कुड, कैन का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और कुड कैन का ही हमारा एक पास्ट फॉर्म होता है। कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन, मे इज फॉर्मल। ओके, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पर विल, वुड, कैन और कुड का यूज़ करेंगे। विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, जैसे कि हमने अगर किसी जगह विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप खिड़की खोल देंगे। कैन यू ओपन द विंडो प्लीज़, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़ एंड कैन यू ओपन द विंडो प्लीज़। यहाँ पर हमने उसी सेंटेंस में कैन, विल, वुड और कुड का यूज़ किया हुआ है। ऑफर वाले ऑफर के लिए अगर हम बात करेंगे तो ऑफर के लिए हम विल, वुड, सेल और कैन का यूज़ करेंगे। आई विल पोस्ट द लेटर फॉर यू, वुड यू लाइक मी टू द पोस्ट लेटर फॉर यू या कैन आई पोस्ट द लेटर फॉर यू लाइक दिस टाइप। तो दीज आर ऑक्सिलरीज वर्ब्स। ये सारी बेटा ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जिस पे हमें फोकस करना है कि सारी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही यूज़ की जाती हैं। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में यूज़ होंगी और इनको हम परमिशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए यूज़ करते हैं। नाउ कम ऑन द लेस्ट ट्राई फोर, अब हम लोग लेस्ट ट्राई फोर करेंगे। सो पुट योर पेंसिल इन योर हैंड, अपने अपने हाथ में अपनी पेंसिल ले लीजिए और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, राइटिंग सभी की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओके, यू ऑल विल कंप्लीट इन योर बुक, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे लेस्ट ट्राई फोर। राइट द सेंटेंस वाई फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस, आस्क परमिशन टू हैव एन आइसक्रीम यूजिंग कैन, मे एंड कुड। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको थ्री ऑक्सिलरीज वर्ब दी गई हैं, कैन, मे और कुड। इनका यूज़ करके आपको आस्क द परमिशन, परमिशन लेनी है टू हैव एन आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए। तो इन वर्ड्स का यूज़ करके, ऑक्सिलरीज वर्ब्स का यूज़ करके आप सेंटेंस कैसे राइट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कैन, नंबर वन, कैन आई हैव एन आइसक्रीम। डन। इन पॉइंट नंबर टू यू विल यूज हियर मे, मे आई हैव एन आइसक्रीम। डन। नंबर थ्री, कुड आई हैव एन आइसक्रीम। डन। लाइक दिस टाइप यू विल राइट द सेंटेंस, इस तरीके से आप सेंटेंस को राइट करेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, चेंज द गिवन सेंटेंस इन टू अ पोलाइट रिक्वेस्ट यूजिंग विल, कैन, वुड एंड कुड। आपको अब यहाँ पर विल, कैन, वुड और कुड का यूज़ करना है एंड द सेंटेंस इज शो मी द टिकट, शो मी द टिकट सेंटेंस का यूज़ करना है जिसमें हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स विल, कैन, वुड और कुड का यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टू ए, टू ए में राइट करेंगे, विल यू शो मी द टिकट, विल यू शो मी द टिकट प्लीज़, क्या आप मुझे अपना टिकट दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट कैन का यूज़ करना है, सेम यू विल राइट हियर, कैन यू शो मी द टिकट, हमें पोलाइटली राइट करना है ना, तो टिकट प्लीज़, क्या आप मुझे अपना टिकट दिखा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज सी, वुड यू, सेम, वुड यू शो मी द टिकट प्लीज, वेरी इजी। एंड लास्ट, कुड यू शो मी द टिकट,
skirt, please. Like this type, okay? Your point number 2 is finished. You can take a screenshot also. In point number 3, read the situation and write the sentence in different ways using will, would, shall and can. Offer somebody to carry his suitcase. अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सी auxiliaries verb use करनी है? Will, would, shall and can. और आपके पास जो points है वो क्या है कि offer somebody to carry his suitcase. Offer है किसी का suitcase ले जाने के लिए. Okay? So ready? Done everyone? Okay. Three number. थ्री में ए में राइट करेंगे आई विल कैरी द सूटकेस आई विल कैरी द सूटकेस फॉर यू ओके फुल स्टॉप इन बी पॉइंट यू विल राइट वुड यू Would you like me to carry the suitcase for you? Okay, would का भी use हो गया यहाँ पर नेक्स्ट हम सुड का यूज करेंगे यहाँ पे सुड आई कैरी द सूटकेस फॉर यू डन एंड डी पॉइंट यू विल राइट हियर कैन आई कैरी द सूटकेस For you, suitcase for you. Now your last try 4 is finished. अब आपका last try 4 finished हो गया है. You all will complete in your book. आप सभी लोग अपनी अपनी book में complete कर लेंगे. I will again with you to take the next topic. फिर से नए topic के साथ में आप लोगों के साथ में रहूँगी. Stay at your home. Be safe and healthy. Take care and bye.